इफ एल्स स्टेटमेंट, अभी तक जितना भी हमने काम किया वो सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए हमने किया। टिल नाउ वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, बट इफ द कंडीशन टर्न्स आउट टू बी फॉल्स देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम लोग उस टाइम कुछ भी, अगर हमारा कोई हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और उस टाइम हमने जब तक जितना भी अभी तक काम किया उसमें हमारा वो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होने तक का काम था, उसमें आगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम हम लोग कुछ नहीं थे कर सकते। मगर इस मरतबा क्या होगा, व्हाट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ट्रू होने पर वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम भी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह करने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इन सच सिचुएशन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एल्स स्टेटमेंट। अगर तो हमारा वो इफ एल्स स्टेटमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है वो इफ स्टेटमेंट वाला स्ट्रक्चर कंडीशन ट्रू होती है तो वो आगे चला जाएगा, और एल्स वाले स्टेट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स वाला टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाला स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज, इफ कंडीशन एसोसिएटेड कोड एल्स एसोसिएटेड कोड, मतलब दो मरतबा कोड हमारा लिखा जाएगा इसमें। पहले हम लोग सिंपल वन टाइम कोड लिखते थे और उसी को एग्जीक्यूट करते थे। एसोसिएटेड कोड ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज the code associated with else statement is executed following the flow chart shows the structure of if else statement। yahan par hamare paas ye ek flow chart hai jo ke hame bata raha hai start if condition, condition true hogi associated code with if statement, aur yahan par connector ke sath ye stop ho jayega, uske baad if condition agar false hogi to associated code with else statement aur program terminate ho jayega। to yahan par hamare paas jo cheeze thi wo yahi hai। uske baad if and if statement may not have an associated else statement but an else statement must have an if statement if to which it is associated। to jo hamare paas yahan par associated code hoga wo hamare paas print out ho jayega। to abhi tak ke liye a equal 15 if अगर तो ए जो है, जैसे लास्ट अगर आप लोगों को एग्जांपल याद हो जिसमें यहाँ पे हमारे पास 11 लिखा गया था, 12 और 11 की मैंने एग्जांपल दी थी, आप पिछली वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने 12 लिखा था, 12 लिखने के बाद तो वो प्रोग्राम हमारा जो है ये दे रहा था द वेरिएबल कंटेन्स एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अगर मैंने जब 11 लिखा तो 11 के बाद वहां पे वो खाली आ रहा था, अब खाली नहीं आएगा, अब वहां पे क्या होगा, द वेरिएबल ए कंटेन एन ऑड वैल्यू, तो वो जो ब्लैक स्क्रीन थी उसकी जगह अब ये स्क्रीन आएगी। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।